सब्सक्राइब करें सीए गुरुजी चैनल को फॉर ऑल अपडेट्स ऑन जीएसटी इनकम टैक्स आईपीओ शेयर मार्केट आईटीआर एंड टैक्स सेविंग्स। क्लिक करें इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे, फिर क्लिक करें बेल के आइकन पे सभी नोटिफिकेशंस के लिए, और ये करना बिल्कुल फ्री है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की मेरी वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग्स टू नो बिफोर फाइलिंग आईटीआर फॉर फाइनेंशियल ईयर 2017-18 एंड असेसमेंट ईयर 2018-19। तो अभी जो आपको रिटर्न फाइल करनी है, अभी हमारा ईयर क्लोज हुआ 31 मार्च 2018, जैसा कि आप सभी जानते हैं, उसके रिटर्न आपको भरने से पहले कुछ चीज़ों का खास ध्यान रखना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आईटीआर की वीडियो है, इनकम टैक्स रिटर्न की वीडियो है। इस वीडियो को देखिएगा एंड तक। पर अगर आपने हमारे चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्लिक कर लीजिए रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन पे, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और हमारे चैनल से जुड़ने से आपको मिल जाती हैं सभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशंस जैसे ही वो आती हैं। तो जुड़े रहे हमारे साथ एज सब्सक्राइबर। आप देख रहे हैं सीए गुरुजी और मैं हूं आपकी दोस्त पूजा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे टॉपिक, थिंग्स टू नो बिफोर फाइलिंग आईटीआर फॉर फाइनेंशियल ईयर 2017-18। तो पहली चीज़ आपको बता देती हूँ क्या ध्यान में रखनी है, यह है बहुत ही इंपॉर्टेंट, लास्ट डेट टू फाइल विदाउट पेनल्टी और लेट फी। तो आपको पता होना चाहिए हमारा लॉ हो गया है चेंज। इस लॉ में, इस फाइनेंशियल ईयर जो 17-18 की हम बात कर रहे हैं, इसके लिए एक पेनल्टी प्रोविजन लेकर आया गया है। अगर कोई भी पर्सन अपनी रिटर्न फाइल नहीं करेगा तो लास्ट डेट आपकी है 31 जुलाई 2018। इस डेट से पहले आपको रिटर्न फाइल करनी है, ये आपकी ड्यू डेट फाइनेंशियल ईयर 2017-18 की। अगर इसके बाद आप रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको देनी होगी पेनल्टी और लेट फीस। और रिटर्न को टाइम पे फाइल करने का मतलब अप टू ड्यू डेट फाइल करने के और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। 31 जुलाई तक अपनी रिटर्न भरना याद रखिएगा। अभी आपके पास हैं 4 महीने, उससे पहले जो भी काम करने हैं, जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपने पास कलेक्ट करने हैं, कहीं से लेने हैं, अपने पास सारे ले लीजिएगा। और 31 जुलाई की ड्यू डेट को ध्यान रखिएगा, किसी भी पेनल्टी लेट से और किसी भी और प्रॉब्लम से बचने के लिए अपनी रिटर्न को भर लीजिएगा 31 जुलाई 2018 तक, जो है हमारी ड्यू डेट। अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की तरफ, जो है हमारा इनकम टैक्स स्लैब रेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2017-18। जो आपको पता होना चाहिए अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले कि क्या है हमारी टैक्स की लिमिट, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपको टैक्स अपना कैलकुलेट करना है। अगर अभी तक जमा नहीं कराया है, लाइक टैक्स की लायबिलिटी है तो कटी नहीं है आपकी, या तो सैलरी से भी नहीं कटी है, या आपकी बनता है टैक्स और आपने जमा नहीं कराया है, तो आपको पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि स्लैब रेट हमारा है क्या। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है पर 5 लाख तक है आपको देना है 5% टैक्स। और अगर आपकी इनकम 5 लाख से 10 लाख तक है तो आप 20% टैक्स। और अगर आपकी इनकम 10 लाख से अबव है तो आपको देना है 30% टैक्स। ये हमने बात की है इंडिविजुअल और HUF के लिए टैक्स रेट की। पर अगर यहाँ पर हम सीनियर सिटीज़न को ले लें, अगर सीनियर सिटीजन्स की हम बात करें जो 60 ईयर्स तक की एज की है, तो उनके लिए जो ये 2.5 लाख की एग्जम्पशन है ये हो जाएगी 3 लाख। और अगर हम सुपर सीनियर सिटीजन्स की बात करें तो उनके लिए 2.5 लाख की एग्जम्पशन हो जाएगी 5 लाख, मतलब उनको ये दोनों ही टैक्स ना पे करके वो सीधा ये 20% वाली कैटेगरी में आ जाएंगे। इनकम टैक्स स्लैब रेट अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो उसकी वीडियो मैंने यहाँ आई बटन पर लिंक कर दी है, वहाँ से देख लीजिए, या फिर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डली हुई है, वहाँ जाके डिटेल में इनकम टैक्स स्लैब रेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2017-18 देख सकते हैं, क्योंकि इसी के बेसिस पर आपका अब टैक्स कैलकुलेट होना है। तो ये था दूसरी चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए इनकम टैक्स स्लैब रेट। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, ये है हमारा पॉइंट सरचार्ज। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमारा ये कहता है कि जो पर्सन रिच है या सुपर रिच कैटेगरी में जो पर्सन आते हैं उन्हें पे करना है सरचार्ज। वो कितना है मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। अगर आप ये जो मैं चीज़ें आपको बता रही हूँ, पॉइंट्स बता रही हूँ, यहाँ पर मैं आपको 12 पॉइंट बताने वाली हूँ। अगर आप चाहें तो जैसे ही वो मेरा पेज कंप्लीट हो जाए आप उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव कर सकते हैं, ताकि आपको फ्यूचर में भी ये चीज़ें याद रहें। तो अगर मैं रिच कैटेगरी की बात करूँ, रिच कैटेगरी में वो पर्सन आते हैं जिनकी इनकम है अबव 50 लाख बट अप टू 1 करोड़, उन्हें देना होगा 10% एक्स्ट्रा सरचार्ज अपने टैक्स पर। और अगर मैं सुपर रिच पर्सन्स की बात करूँ जिनकी इनकम है अबव 1 करोड़, तो उन्हें 15% सरचार्ज भी पे करना है। तो ये है सरचार्ज जो टैक्स पर लगेगा अगर आप रिच या सुपर रिच कैटेगरी में आते हैं। नाउ मूव ऑन टू द फोर्थ पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिबेट अंडर सेक्शन 87A। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ लोअर इनकम वाले पर्सन्स को टैक्स पर छूट दी है, वो क्या है चले जान लेते हैं।
तो ये है वो रिबेट जिनकी टोटल इनकम होगी अप टू ₹350,000, उनको एक्स्ट्रा रिबेट मिल जाएगी टैक्स में 2500 की। तो मान लीजिए उनका टैक्स बनता है ₹3,000, तो उन्हें ₹2500 टैक्स का रिबेट मिल जाएगा और उन्हें सिर्फ ₹500 ही भरने होंगे। यहाँ पर जो लोअर क्लास इनकम वाले हैं उनका ध्यान रखा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये रिबेट आपको मिलेगी टैक्स कैलकुलेशन से पहले इसका ध्यान रखना है। नाउ मूव ऑन टू द फिफ्थ पॉइंट, ये क्लोज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्लोज में ये है कि अगर आप 2 लाख या 2 लाख से ज़्यादा का कैश एक्सेप्ट करते हैं एक सिंगल पर्सन से और एक सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए, तो वो आपके लिए प्रोहिबिट है, आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो वो जो आपका एक्सपेंस है या जो रिसिप्ट है वो डिसअलाउ हो जाएगी सेक्शन 269 एसटी के अंदर। तो अगर आपकी कोई ऐसी रिसिप्ट है जो आपने 2 लाख से ज़्यादा अगर कैश में की है तो उसका रख लीजिएगा ध्यान, क्योंकि वो हो जाएगी डिसअलाउड। चलिए देखते हैं आप सिक्स्थ पॉइंट क्या है। ये पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट, TDS ऑन रेंट इस साल जो शुरू किया गया था कि अगर कोई इंडिविजुअल या HUF किसी पर्सन को रेंट की पेमेंट करता है जिसका अमाउंट है 50,000 पर मंथ या उससे ज़्यादा, तो उन्हें क्या करना है, TDS डिडक्ट करना है एट द रेट 5% पर, वो जमा कराना है गवर्नमेंट को। तो अगर आपने भी 50,000 से ज़्यादा का रेंट पे किया है तो आपको TDS कट करने की लाइबिलिटी है 5% की। अगर आपने नहीं की है, आपको नहीं पता था तो और आप ऐसा कर रहे थे, तो आपको अब TDS काट के और अब जमा कराना होगा विद इंटरेस्ट। तो ये था हमारा 6th मेजर पॉइंट। अब हम डिस्कस करते हैं हमारा 7th पॉइंट। तो 7th हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंडेटरी डिस्क्लोजर ऑफ आधार नंबर। आपको अपनी रिटर्न फाइल करते टाइम पे आधार नंबर मेंशन करना ही पड़ेगा, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी रिटर्न फाइल ही नहीं होगी। तो अगर आपने अभी तक अपना आधार नंबर अप्लाई नहीं किया है या किसी भी रीज़न से आपका आधार नंबर अभी तक नहीं आया, आपके पास नहीं है, मिसप्लेस हो गया है, आपको नहीं पता, तो अपना आधार नंबर जल्दी से जल्दी अपने पास अरेंज कर लीजिए, क्योंकि आधार नंबर के बिना आपकी ITR सबमिट ही नहीं होगी, एक्सेप्ट ही नहीं होगी, आप भर ही नहीं पाएंगे। तो किसी भी प्रॉब्लम से बचने के लिए अगर आपने अभी तक अपना आधार अप्लाई नहीं किया है या किसी पर्सन की रिटर्न फाइल करनी है, किसी ऐसे मेंबर की रिटर्न फाइल करनी है जिसके पास आधार नहीं है, तो पहले उनका आधार अप्लाई करा लीजिए। मूव ऑन टू द 8th पॉइंट। इस साल रिवीजन ऑफ रिटर्न के टाइम में भी कुछ चेंज किया गया है। पहले रिवीजन ऑफ रिटर्न के लिए आपको 2 साल का टाइम दिया जाता था फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के बाद, पर इस बार चेंज कर दिया गया है। अगर आप रिटर्न भर लेंगे और रिटर्न के बाद अगर आप सोचेंगे उसे रिवाइज करना है, तो आपकी रिवीजन का टाइम है सिर्फ 1 साल फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के। तो लॉ की लैंग्वेज में अगर हम पढ़ें तो 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ रिलीवेंट फाइनेंशियल ईयर, रिलीवेंट फाइनेंशियल ईयर कब हो रहा है आपका, एंड 31 मार्च 2018 और बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर, आपकी कोई असेसमेंट हो रही है तो विच एवर इज अर्लियर। तो अगर हम 31 मार्च 2018 की बात करें तो उसकी डेट हो जाएगी रिविजन की 31 मार्च 2019। तो ये ध्यान रखिएगा कि रिविजन ऑफ रिटर्न का टाइम भी कम कर दिया गया है इस बार से। नाउ मूव ऑन टू द 9th पॉइंट। इस बार ITR के फॉर्म्स में भी कुछ चेंजेस किए गए हैं। जिन पर्सन की टोटल इनकम 5 लाख या उससे कम होगी उन पर्सन्स के लिए बहुत ही छोटा सा एक 1 पेज ITR का फॉर्म, बहुत ही जिसे कोई भी पर्सन इजीली फाइल कर सके ऐसा फॉर्म डिपार्टमेंट लेकर आने वाला है। जैसे ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से ITR फॉर्म आ जाएंगे आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा उसका डिटेल्ड वीडियो। तो ये 1 पेज ITR फॉर्म होगा उन पर्सन्स के लिए जिनकी टोटल इनकम 5 लाख या 5 लाख से कम होगी, पर उनकी इनकम में बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम नहीं होनी चाहिए, तभी वो वाला ITR फॉर्म यूज़ कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो ये था 9th हमारा पॉइंट। अब डिस्कस करते हैं 10th इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आप रिटर्न को अपनी 31 जुलाई 2018 तक फाइल नहीं करेंगे तो आपको देनी पड़ेगी कुछ लेट फी या पेनल्टी। उसके लिए सेक्शन इंसर्ट किया गया है 234F, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी आपको बता देती हूँ किस तरह से पेनल्टी लगाई जाएगी, समझ लीजिएगा। तो पहले बात करते हैं जिनकी इनकम टोटल इनकम होगी लेस देन 5 लाख रुपीज़, उनके लिए पेनल्टी लगेगी ₹1,000 अगर वो रिटर्न अपनी फाइल करेंगे अप टू 31st मार्च ऑफ असेसमेंट ईयर, मतलब 31 मार्च 2019 तक अगर हम इस ईयर की बात करें वो रिटर्न फाइल करेंगे तो उन्हें ₹1,000 एज अ पेनल्टी और लेट फीस देना होगा। यहाँ पर एक चीज़ और जान लीजिए कि क्योंकि हमारा लॉ हो गया है चेंज, तो अगर 31 मार्च 2019 तक भी विद पेनल्टी अपनी ये वाली ITR जो हम फाइनेंशियल ईयर 17-18 की यहाँ पर बात करें वो आप फाइल नहीं करेंगे तो पॉसिबल ही नहीं होगा 31 मार्च 2019 के बाद ITR को फाइल करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो अब हम बात करते हैं जिनकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तो उन पर क्या पेनल्टी रहेगी। तो टोटल इनकम जिनकी होगी अबव ₹5 लाख उनका पेनल्टी प्रोविजन 2 चीज़ों में बांट दिया गया है। अगर वो अपनी रिटर्न फाइल करेंगे आफ्टर ड्यू डेट, ड्यू डेट क्या है 31 जुलाई 2018, पर
फाइल कर लेंगे 31 दिसंबर तक तो उन्हें 5000 रुपये पेनल्टी देनी होगी, पर अगर 31 दिसंबर तक भी फाइल नहीं करेंगे, फिर 31 दिसंबर के बाद 31 मार्च तक अगर फाइल करेंगे तो उन पर लग जाएगी सीधी सीधी 10000 रुपये की पेनल्टी। तो यह है पेनल्टी क्लोज, इतनी पेनल्टी आपको बियर करनी पड़ेगी अगर आप ड्यू डेट को मिस कर देंगे। मैं दोबारा बता रही हूँ जो है 31 जुलाई 2018, इसे याद रखिएगा। चले मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। तो हमारा 11th पॉइंट है नो टैक्स ऑन पार्शियल एनपीएस विड्रॉल। तो अगर आप एनपीएस से विड्रॉ करना चाहते हैं, किसी भी इमरजेंसी के केस में आप अपने कॉर्पस में से कुछ पैसा निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पर चेंज किया गया है कि अगर आप 40% तक विड्रॉल करते हैं तो उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। रिटायरमेंट से पहले अगर आप विड्रॉल करते हैं एनपीएस का पैसा किसी भी इमरजेंसी के केस में, तो 40% तक का कॉर्पस अगर आप निकाल लेते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। तो इधर 11th पॉइंट, अब डिस्कस करते हैं हमारा 12th पॉइंट। 12th एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज चेंज इन होल्डिंग पीरियड ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, कोई भी एसेट लॉन्ग टर्म कैसे बनती है, उसके लिए कुछ क्वालिफाइड पीरियड होता है। पहले वो पीरियड था 36 मंथ का, मतलब अगर किसी भी एसेट को आप अपने पास रिटेन करेंगे 36 महीने तक तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट आपकी बन जाती थी, पर अब इनके होल्डिंग पीरियड को कम कर दिया गया है। अगर मैं इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करूं तो उनका जो 36 महीने का पीरियड था उसे 24 महीने कर दिया गया। मतलब अगर आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी अपने पास 24 महीने तक रखी है और उसके बाद अगर आप उसे सेल करेंगे तो उस पर जो प्रॉफिट होगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल के हिसाब से, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से आपको कैलकुलेट करना होगा। और अगर मैं लिस्टेड शेयर्स की बात करूं तो उनके लिए भी जो होल्डिंग पीरियड है वो चेंज कर दिया गया है, वो कर दिया गया है 1 ईयर का, मतलब 12 महीने का। तो ये जो चेंज हुआ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके हिसाब से अब आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे करना है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए जो बेस ईयर था, पहले हम यूज़ करते थे बेस ईयर 1/4/1981 का, पर अब आपको बेस ईयर इंडेक्सेशन के लिए यूज़ करना है 1/4/2001 का। तो ये था चेंज हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स के लिए भी, जो एप्लीकेबल हो गया है 2017-18 फाइनेंशियल ईयर की रिटर्न के लिए। तो ये थी 12 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको अपनी ITR को फाइल करते हुए 2017-18 की ध्यान रखनी है। अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अपनी रिटर्न, अपनी ITR, अपने बैलेंस शीट्स, अपने P&L को देख लेना है एक बार कि क्या वो इन चीज़ों से क्वालिफाई कर रही हैं या नहीं, कोई गलती तो नहीं हुई है। ड्यू डेट का ज़रूर ध्यान रखिएगा, पेनल्टी आपको फिर देनी पड़ेगी, और उसके बाद रिवीजन कब तक होगी ये भी ध्यान रखिएगा, और उसके बाद अगर पेनल्टी के साथ ही रिटर्न फाइल करनी है तो वो भी कब तक होगी, इन सब चीज़ों का रखिएगा ध्यान। अपनी ITRs को भरिएगा टाइम पे किसी भी तरह की प्रॉब्लम से बचने के लिए। ITR से रिलेटेड वीडियोस आपको टाइम टू टाइम हमारे चैनल पे मिल जाएंगी, और अगर आपकी कोई वीडियो रिक्वेस्ट है तो मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलेगा। तो ये थी आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो। इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ एज सब्सक्राइबर। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के लिए इंपॉर्टेंट है तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा, एक लाइक तो कर ही दीजिएगा वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।